Do you want to know about the best countries for MBBS studies? What are the countries that are affordable for MBBS studies? What are the countries that poses the highest FMG passing ratio? ये सारे questions का answer आपको इस video में मिलेगा। तो बिना skip के इस video को end तक देखिए और इस video शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को मतलब पाइस एडुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए। Hi, I am अनुरूपा रक्षित and academic counselor of पाइस एडुकेटर। बहुत सारे गर्जियन के मन में अब एक क्वेश्चन है कि नीट में इंडिया में चांस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर एब्रॉड में कौन सी कंट्री में बच्चे को भेजना है, कौन सी कंट्री में एफएमजी पासिंग रेशियो हाईएस्ट है, कौन कौन सी कंट्री एनएमसी का गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, या फिर कौन कौन सी कंट्री के साथ हमारा कंट्री का वे ऑफ लाइफ, वेदर, डिजीज पैटर्न, ये सब कुछ सेम है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज मैं इस वीडियो में टॉप 6 कंट्रीज को लेके डिस्कस करूंगी और उसका पहला है हमारा नेबर कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश का सारा यूनिवर्सिटी एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है। बांग्लादेश का सारा यूनिवर्सिटी एनएमसी का जो गाइडलाइन है इसे फॉलो करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे देश का वे ऑफ लाइफ, कल्चर, वेदर सब कुछ सेम टू सेम है और हमारे देश के साथ उस देश का जो डिजीज पैटर्न है वो भी सेम टू सेम रहता है। बांग्लादेश का जो टीचिंग लैंग्वेज है वो है इंग्लिश में। चाहे स्टूडेंट तमिलनाडु से हो या फिर राजस्थान से हो या फिर पश्चिम बंगाल से हो या फिर बिहार से हो, जहाँ से भी हो, स्टूडेंट अगर बांग्लादेश में जाएगा पढ़ने का जो लैंग्वेज होगा वो है इंग्लिश। बांग्लादेश का जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो बहुत हाई है। बांग्लादेश का सारे कॉलेजेस में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। वहाँ पर हॉस्टल भी मिलता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, सेपरेटेड हॉस्टल रहता है मेल और फीमेल के लिए। इंडियन फूड बांग्लादेश में मिलता है, वेज नॉन वेज बोथ, स्टूडेंट अपने पसंद के हिसाब से खा सकते हैं। हमारे देश से बांग्लादेश का जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। आप चाहे आप ट्रेन में जा सकते हैं, आप चाहे तो आप बस में जा सकते हैं, आप चाहे तो आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शंस है बांग्लादेश जाने के लिए। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत सारे देश से भी कम है, तो बांग्लादेश आपका सही और पहला चॉइस हो सकता है एमबीबीएस के लिए। नेक्स्ट जो कंट्री के बारे में हम बोलने जा रहे हैं वो है हमारा और एक नेबर कंट्री नेपाल। नेपाल का सारा यूनिवर्सिटीज एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है। नेपाल का सारा यूनिवर्सिटीज एनएमसी का जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करते हैं और नेपाल का एमबीबीएस कोर्स का जो फी है वो भी इंडिया से बहुत अफोर्डेबल है। नेपाल में हर वक्त एक प्लेजेंट वेदर रहता है। वहाँ पर का जो वेदर क्लाइमेट है वो बहुत ही सुंदर है। नेपाल में एक डिसिप्लिन्ड एजुकेशन सिस्टम चलता है। नेपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेजेस है वो बहुत ही अपडेटेड है। नेपाल का जो एफएमजी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है और नेपाल का जो एक प्लस पॉइंट है वो है कि नेपाल में वीज़ा का कोई ज़रूरत नहीं है। नेपाल में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी अवेलेबल है और इंडियन फूड भी अवेलेबल है नेपाल में। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं दो कंट्री को लेके जो कि है बांग्लादेश और नेपाल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी का जो चार कंट्री है उसको लेके। वो चार कंट्री कौन सी कंट्री है ये जानने के लिए आपको देखना है नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।